हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सामने आपके खड़ी है भाई टियागो सीएनजी में, और सीएनजी में ये कौन सा वेरिएंट है वो मैं बता दूं। भाई टियागो एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर हर वेरिएंट के अंदर सीएनजी कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो ये है एक्सएम वेरिएंट। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही है, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको सारी काम की चीज मिल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस गाड़ी को लेने के बाद भाई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो भाई फ्रंट से स्टार्ट करें तो इतनी बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है, जो कि भाई ट्राई एरो पैटर्न के साथ आती है, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आती है, और नीचे की तरफ ग्रिल के आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाएगी। जो इसकी हेडलाइट है वो हैलोजन रहेंगी, और भाई इंडिकेटर भी हैलोजन रहेगा। नीचे की तरफ फॉग लैंप की प्लेसमेंट दी गई है, और उसके साइड में भाई आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। बॉडी कलर के ही आपको बम्पर मिलने वाले हैं, और भाई ये ऊपर हुड पे इतना बड़ा सा प्लास्टिक का एरिया देख के ना ऐसा लगता है काफ़ी प्रीमियमनेस दिखाता है। और भाई इसके फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर मिलेगा। टायर इसके अंदर भाई आपको स्टील रिम मिलेगी, जिसकी प्रोफाइल है 175/60R14, जो कि भाई 14 इंच का व्हील, काफ़ी अच्छा खासा वाइड दिया गया है। इसके अंदर कोई भी पिलर ब्लैकआउट नहीं मिलता। बॉडी कलर के अंदर इसमें डोल हैंडल नहीं आते, ब्लैक कलर के आते हैं। नीचे की तरफ क्लैडिंग नहीं आती है, बट गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सोबर लगती है और सिंपल लगती है। कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पीछे की तरफ इंटीग्रेटेड स्पॉयलर दिया गया है, जिसके साइड में आपको पियानो ब्लैक फिनिश, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, सीएनजी की बैजिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप सीएनजी और वोकल 4 लोकल की बैजिंग आप देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया कलर लगा मुझे ये वाला, और सबसे ज़्यादा भाई डिमांड में भी यही रहता है, एक ये और एक वाइट वाला। और पेट्रोल टैंक की बात करें तो इसमें 35 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। सीएनजी में आपको 60 लीटर वाटर कैरिंग कैपेसिटी वाला सिलेंडर मिल जाता है, जिसके अंदर 7.5 से 8 किलो तक गैस ईजिली आ जाती है अगर प्रेशर ठीक रहता है। बॉडी कलर के इसके अंदर आपको ORVM नहीं आते, ब्लैकआउट कलर के आते हैं। तो ये एक यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है, बाकी भाई गाड़ी का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस वजह से ये किया गया है। ये कुछ मिलती है इसकी चाबी, इसमें कोई सेंटर लॉकिंग नहीं आती है। अब इसको खोल के हम आपको ड्राइवर साइड डोर के बारे में बताते हैं। आपको टियागो का ग्राउंड क्लियरेंस बता दूँ तो 168 mm का है, और व्हील बेस भी इसका काफ़ी कम है, तो ये गड्ढे वड्ढों में कहीं नहीं लगती है, मतलब ऑफ रोडिंग करते हुए कहीं से भी निकल जाती है, तो ये इस गाड़ी की खास बात है। और ये है कुछ इसका ड्राइवर साइड का डोर, जो कि ड्यूल टोन फिनिश के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर आपको लेदराइट टच या फिर सॉफ्ट टच कुछ नहीं मिलेगा, ये सब हार्ड प्लास्टिक रहेगी। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, नीचे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, और इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं आती है, और नीचे की तरफ डेड पेडल दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपको एसी वेंट और उसके ऊपर भाई ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाएगी। अंदर से आके अब बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल में। तो भाई अंदर से देखने पे काफ़ी अच्छा प्रीमियम तरीके का ही इंटीरियर मिल जाएगा इस वेरिएंट के अंदर। फेज़ टू वाली ये गाड़ी है, इसके अंदर TPMS भी ऐड हो चुका है। ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर डी कट वाला स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, स्टेयरिंग पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। अब एडजस्टमेंट की बात कर लें, एडजस्टमेंट है इसके अंदर, तो यस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, तो चलो टिल्ट तो दे ही दिया इन्होंने। पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और ये कुछ मिल जाएगा इसका एसी वेंट, और इसके ऊपर ब्लैक क्रोम, डी क्रोम जिसको बोलते हैं, वो दिया गया है, और अच्छा है। ड्यूल टोन में आपको डैशबोर्ड दिया गया है, हारमन का म्यूजिक सिस्टम, 4 स्पीकर 2 ट्विटर वाला आपको इसमें भी दिया गया है। फॉग लैम्प और डिग्गी विग्गी वाला कोई बटन इसके अंदर नहीं दिया जाता, बस एक CNG का बटन दिया जाता है। नीचे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स हैं, 12V का चार्जिंग सॉकेट और एक USB सॉकेट है इसके अंदर, अच्छी बात है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है, और गियर लीवर पे कोई भी क्रोम नहीं मिलता, बट ठीक है, अच्छा रबराइज दे रखा है, तो विच इज़ अ गुड पार्ट। 2 कप होल्डर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस, और यहाँ पे बोतल होल्डर, फैब्रिक सीटें, और इन पे स्टिचिंग की गई है ट्राई एरो पैटर्न के साथ। ट्राई एरो तो भाई टाटा का फेवरेट हो चुका है। अब यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, कूल नहीं है, बट ऊपर टैबलेट होल्डर आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये। ऊपर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे सनशेड पे आपको टिकट होल्डर दूसरा मिल जाएगा, यहाँ पे कोई वैंटी मिरर नहीं मिलेगा। टॉक अबाउट द IRVM, अच्छा ऊपर माइक की प्लेसमेंट भी है इसके अंदर, आपको डे नाइट वाला मैनुअल मिलेगा, तो डे नाइट वाला मैनुअल मिलेगा IRVM, अच्छी बात है। और बेस मॉडल में भी यहाँ पे भी आपको लाइट LED दी गई है, विच इज़ अ गुड पार्ट। अब आते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, वन टच डाउन वन टच अप दोनों है ये, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब क्लस्टर पे देखते हैं, क्लस्टर पे क्या चेंजेस हैं इसके या नहीं हैं, तो इंसर्ट करते हैं की को। तो भाई ये कुछ है, ठीक है, CNG मोड एक्टिव, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडो, यही चीज़ आ रही हैं। इधर से हम
टाइम वाइम सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आपको ये पता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, टाटा का भरोसा, और क्या चाहिए। अब आते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं पीछे का सीटिंग कंफर्ट क्या है, फेस टू के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं। और ये है इसका पीछे का डोर पैसेंजर साइड का, जिसमें ड्यूल टोन फिनिश, आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिलती है, ट्विटर नहीं मिलते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे बोतल होल्डर मिल जाता है। सीट्स की बात करें तो आगे की सीटों पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वहीं पीछे की सीटों पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। वहीं पीछे के सीटिंग कम्फर्ट की बात कर लें तो सीट्स क्वाइट कम्फर्टेबल, जैसे कि आपको टिगोर के अंदर मिल जाती हैं, बस इसमें कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, फिक्स आपको हेडरेस्ट मिलेंगे पीछे की तरफ। आगे की तरफ आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट, और बीच में थोड़ा सा हम पे बोतल होल्डर है। ओवरऑल कैबिन काफ़ी स्पेशियस है, ड्यूल टोन में रखा गया है तो बहुत ही बढ़िया है। आगे से कुछ किस प्रकार का कैबिन लगता है, मतलब पीछे बैठने पे आगे का व्यू कुछ इस प्रकार का फील होता है। ठीक है, अब हम पीछे एक बार डिग्गी का जरूर खोल के देख लेते हैं क्या स्पेस है, क्या आउटपुट नहीं है, फिर इंजन बे के ऊपर भी बात करेंगे। और ये है कुछ इसका बूट स्पेस भाई, मतलब बूट का गेट आप देख सकते हो, ऊपर से कवर कर रखा है, पकड़ने के लिए अलग से जगह दे रखी है, प्रैक्टिकलिटी अच्छी है, पार्शियल ट्रे काफ़ी बड़ी है, और पीछे सीएनजी सिलेंडर के आप फिटमेंट देख सकते हो। स्पेयर टायर को आपको एक्सेस करना है तो भाई पीछे वाली सीटों को लेटाना पड़ेगा, तो उसके बाद आप स्पेयर टायर निकाल सकते हो। तो सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद इसमें छोटे मोटे बैग्स ही आ सकते हैं, वो भी सीट के नीचे, और बाकी अगर आपको पेट्रोल में लेनी है तो काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस इसमें मिल जाता है, प्राइस भी कम रहता है। आईसीएनजी की बैजिंग आपको पीछे मिल जाएगी सीएनजी वाले वेरियंट्स के अंदर। और अब बात करते हैं इंजन की, तो इसमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है, जो कि भाई अब पावर बढ़ गई है तो फिर पावर उसी हिसाब से 86 पीएस की कर रहा है, पहले 84 समथिंग में था, और 113 एनएम का टॉर्क है। सीएनजी में अगर हम बात करें तो यही आपको 73 पीएस की पावर और 95 एनएम का टॉर्क ये देता है, तो काफ़ी अच्छा इंजन है, स्मूथ हो चुका है। इसके अंदर ऊपर इंसुलेशन भी दे रखी है, इंजन भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा गया है, जो कि सर्विस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हर पार्ट एक्सेसिबल है। प्राइसिंग की बात कर लें तो एक्स शोरूम आपको दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ 6,76,900 रुपये भाई इस वेरिएंट का पड़ेगा, जिसके अंदर आपको स्टीरियो, पावर विंडो सब कुछ मिल रहा है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी लेके सीधा इसे ड्राइव पे ले जा सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। तो कैसी लगी आपको टियागो, टियागो तो काफ़ी अच्छी ही है, बाकी ये वेरियंट कैसा लगा वो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये गाड़ी परचेज करनी है तो शोरूम की डिटेल एंड कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहीं करता वीडियो गेंट, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम भाई। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, काफ़ी 1% लोगों ने ही चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियोज़ को आपके पास लाने के लिए, ये जानकारी आपको देने के लिए, ताकि जब आप गाड़ी खरीदने जाओ तो आपके परचेजिंग डिसीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। ठीक है।